राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तूफानी प्रहार। गांधी माफी नहीं मांगते, ये डायलॉग मारकर राहुल गांधी ने कैसी निकाली भड़ास। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए, आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पर पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो।